नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त है 6 के 6 का। इस बुलेटिन में हम आपको बिहार से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे, देश विदेश की खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की खबरों की जानकारी देंगे, कारोबार और बाजार का भाव भी बताएंगे, खेल से जुड़ी जानकारी भी देंगे और मनोरंजन की खबरों से आपका मनोरंजन भी कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है, बाढ़ पीड़ितों के परिवारों को अनुग्रह राशि जारी कर दी गई है। सीएम नीतीश ने अनुग्रह राशि जारी कर दी है, लगभग 3,21,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को यह राशि दी जा रही है। हर बाढ़ पीड़ित परिवार को 7,000 रुपए दिए जाएंगे। डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर दी गई है, 225 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है। कोसी गंडक बागमती के बाढ़ पीड़ितों को यह सहायता दी जा रही है। आपदा प्रबंधन नियम के अनुसार ये सहायता दी गई है। बड़ी खबर बिहार से बाढ़ पीड़ितों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पटना में बाढ़ पीड़ित परिवारों को अनुग्रह राशि जारी कर दी गई है सरकार की ओर से। सीएम नीतीश ने अनुग्रह राशि जारी की, लगभग 3,21,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को यह मदद पहुंचाई गई है। हर बाढ़ पीड़ित परिवार को 7,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं और बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए मुख्यमंत्री के जरिए दिए जाने पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। सरकार दो फेज में एक बार लगभग 4.5 लाख लोगों को दिया गया और आज लगभग 3.5 लाख लोगों को 7,000 रुपया देने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो यह स्पष्ट है कि आपदा में बिहार के खजाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में स्पष्ट मानना है कि बिहार के खजाने पर पहले आपदा परिवार का हक है, तो हम लोग राशि उपलब्ध करें। तेजस्वी यादव रोजगार और अब पलायन पर वो हमला बोल रहे हैं कि जो पलायन बिहार में हो रहा है वो ये उनको अपने माननीय पिताश्री श्री लालू प्रसाद जी से पूछना चाहिए। जो अराजकता बनाया, गुंडागर्दी कराया, राज पूरे लूट खसोट कराया, उसी का कारण है। आज भी डर है कि राजद नहीं आ जाए। और अगली खबर भी पटना से है, ईओयू की जांच में खुलासा हुआ है कि एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी। इसकी जांच में आर्थिक अपराध इकाई के साथ ही ईडी की टीम भी जुटी है। न्यूज 18 इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। ईओयू सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे खेल की साजिश आरजेडी और जेडीयू के कुछ विधायकों ने मिलकर रची थी और इसे अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा जेडीयू एमएलए डॉक्टर संजीव को मिला था। मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर संजीव कुमार फ्लोर टेस्ट के दौरान अपने कुछ विधायकों को लेकर आरजेडी खेमे में चले जाते। उनके साथ जाने वाले विधायकों को मंत्री पद के साथ 10 करोड़ रुपए देने का ऑफर था। पुख्ता सबूत के साथ ईओयू ने ईडी को रिपोर्ट भेज दी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। और अब बात गिरिराज सिंह की करेंगे, जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले हैं। बेगूसराय से बीजेपी सांसद बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे। बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों पर हुए अत्याचारों के विरोध में ये यात्रा निकाली जा रही है। प्रथम चरण में यह यात्रा बिहार के भागलपुर से शुरू होगी और समापन किशनगंज में होगा। 18 से 22 अक्टूबर तक हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर रहेंगे गिरिराज सिंह। अब बात दुर्गा पूजा की करते हैं। पटना सिटी में शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी को लेकर सभी दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालु भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ मां दुर्गा के चरणों में नमन कर रहे हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इस मौके पर श्रद्धालु पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ मां दुर्गा के 8वें रूप की पूजा कर रहे हैं। माँ के दरबार में जो आता है उसकी मुरादें हर समय माँ पूरा करती है। माँ यूँ ही सबकी रक्षा करते रहे और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ जो नवरात्रि बने वो हमेशा निरंतर चलता रहे। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज और माता दरबार में आशीर्वाद लेने पहुँचे हैं हम। माता का बस आशीर्वाद चाहिए हमें। और पूर्णिया के खुशकी बाग कप्तान पाड़ा में
फ्रेंड्स क्लब दुर्गा मंदिर में बांस का यूनिक पंडाल बना है। करीब 35 लाख की लागत से बने इस इको फ्रेंडली पंडाल में 4000 बांस का प्रयोग किया। पंडाल के जरिए पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया जा रहा है, जिसकी सुंदरता देखने के लिए श्रद्धालु दूर दराज से पहुंच रहे हैं। तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। खबर कटिहार से है, जहां सेमापुर थाना क्षेत्र के सुखासन गांव में शराब तस्करी की सूचना पर छापेमारी के लिए गई पुलिस टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने दबिया से एसआई पर हमला कर दिया और इस हमले में एसआई गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बताएं कि दो दिन पहले सहायक थाना क्षेत्र के गौशाला में शराब की सूचना पर गई पुलिस टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। सबकी बुलाई से उसे देखते हैं कि सर के हाथ से खून चू रहा था। अच्छा, हम उठा। भोजपुर और पटना से कई कांड में फरार एक चर्चित यूट्यूबर को कोइलवर पुलिस ने धर दबोचा है। यूट्यूबर का नाम चित्रंजन राय है, जो सिकरहटा का नोना डीही का रहने वाला है। उस पर भोजपुर के साथ ही पटना में कई मामले दर्ज हैं। चित्रंजन के आरा आने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें उसे पकड़ लिया गया। आरोपी पर पड़हरा कोई लबकर और पटना के कदम कुआं और मनेर थाने में केस दर्ज है। अगली खबर चाईबासा से है, जहां गुदड़ी थाना क्षेत्र में हुई तीन फेरीवालों की हत्या की जांच अब एसआईटी करेगी। एसपी आशुतोष शेखर ने एसआईटी का गठन कर जांच के आदेश दिए हैं। जांच में गुदड़ी थाना, टेबो थाना और सुनुआ थाना, चक्रधरपुर थाना के पदाधिकारियों की एक संयुक्त टीम शामिल है। रविवार को गुदड़ी थाना क्षेत्र के जतरमा के पास जंगल में बिहार के रहने वाले तीन फेरी वालों की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। तीनों का शव पुलिस ने मंगलवार को बरामद किया। तीनों फेरी वाले बिहार के रहने वाले थे, जिनमें से दो सगे भाई हैं, जबकि एक अन्य मोतिहारी जिले का निवासी था। बात देश विदेश की करेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस के दो दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियनतियाने हवाई अड्डा पहुंचे। इस दौरान लाओस समुदाय के लोगों ने वियनतियाने के होटल ट्रबल ट्री में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, साथ ही हिंदी में उनका अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए भारतीय प्रवासी और लाओस समुदाय के लोगों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया। ये यात्रा लाओस के प्रधानमंत्री सेनेक्से सिफांडोन के खास निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा एक्ट ईस्ट नीति के 10 साल पूरे होने के मौके पर हो रही है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जापान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। आसियान में दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय तनाव और म्यांमार में गृह युद्ध पर चर्चा होगी। अब लाओस से सीधा मुंबई चलते हैं, जहां रतन टाटा को राष्ट्रीय सम्मान के साथ विदाई दी जा रही है। वर्ली शमशान भूमि में पूरा टाटा परिवार मौजूद है। पारसी रीति रिवाज से रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा के निधन से करोड़ों देशवासियों की आंखें नम हैं। रतन टाटा ने बुधवार की रात को मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह 86 साल के थे। अब उनके आखिरी सफर की तैयारी हो रही। दो तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जा रही है। दूसरी तस्वीर में तमाम बड़े राजनीतिक चेहरे इस विदाई समारोह में मौजूद हैं। रतन टाटा को विदाई देने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, उन्हें अंतिम नमन कर रहे हैं। उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रमुख चेहरा नजर आ रहे हैं।
और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मुंबई के NCPA में रतन टाटा को अंतिम श्रद्धांजलि दी। अंबानी अपनी पत्नी नीता, बेटे आकाश और बहू श्लोका के साथ श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। आपको बता दें कि NCPA में आखिरी दर्शन के लिए रतन टाटा का पार्थिव शरीर रखा गया था। छियासी साल की उम्र में रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और उस उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए मुकेश अंबानी भी पहुंचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई के NCPA में रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। अंबानी अपनी पत्नी नीता, बेटे आकाश और बहू श्लोका के साथ श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। आपको बताएं कि NCPA में आखिरी दर्शन के लिए रतन टाटा का पार्थिव शरीर रखा गया था। और ये तस्वीरें समय हम आपको पहुंचा रहे हैं। मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी और बेटे आकाश के साथ वहां पहुंचे। उनकी बहू भी इस दौरान मौजूद थी। रतन टाटा को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए, उनके आखिरी दर्शन करने के लिए मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ पहुंचे। और भारतीय उद्योग जगत की महान हस्ती रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो अपने पीछे एक बड़ी विरासत छोड़ गए। टाटा परिवार का देश के विकास में बड़ा योगदान है और रतन टाटा ने भी अपने फैसलों से अपने परिवार की इस महान विरासत को कायम रखा। बुधवार देर रात करीब 11 बजे रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रिंच कैंडी अस्पताल की ICU में भर्ती थे और उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। भारत के अनमोल रत्न रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का निधन हो गया। रतन टाटा 86 साल के थे। रतन टाटा ने बुधवार की देर रात मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। जैसे ही उनके निधन की खबर मिली, चारों तरफ शोक की लहर दौड़ गई। रतन टाटा ने टाटा समूह को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई थी। बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरीके की खबरें भी सामने आई थी। दो दिन पहले ही यानी सोमवार को रतन टाटा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हेल्थ को लेकर के अफवाहों को खारिज किया था। रतन टाटा की गिनती सबसे सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में की जाती है और उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डंका बजाया। रतन टाटा ने 1991 में ग्रुप की कमान अपने हाथ में ली थी और साल 2012 तक रतन टाटा कंपनी में चेयरमैन बने रहे। रतन टाटा अपनी कमाई का एक हिस्सा दान में देते थे। रतन टाटा अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाते थे। 2004 में आई सुनामी हो या फिर देश में कोरोना महामारी का प्रकोप, हर संकट के समय रतन टाटा मदद के लिए सबसे आगे रहे। न केवल सामाजिक कार्यों बल्कि आर्थिक तंगी से जूझने वाले छात्रों की भी मदद के लिए वो हमेशा आगे रहते थे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सुनी टाटा था। टाटा समूह के फाउंडर जमशेद जी टाटा रतन टाटा के परदादा थे। रतन टाटा के माता पिता 1948 में अलग हो गए जब वो केवल 10 साल के थे और इसीलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी रतन जी टाटा की पत्नी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा ने 8वीं कक्षा तक कैंपेन स्कूल मुंबई में पढ़ाई की। उसके बाद कैथेड्रल और जॉन कानन स्कूल मुंबई और बिशप कॉटन स्कूल शिमला में पढ़ाई की। बाद में वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल चले गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री 1959 में हासिल की थी। डिग्री लेने के बाद उन्होंने अमेरिका में ही नौकरी करने का मन बना लिया था, लेकिन उनकी दादी की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें भारत वापस आना पड़ा। यहां आकर उन्होंने IBM ज्वाइन कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बात शेयर बाजार की करेंगे। रतन टाटा के निधन के बाद आज टाटा ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी तेजी देखी गई। टाटा
इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और टाटा केमिकल्स के शेयर में 10% तक उछाल आया। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने बुधवार 9 अक्टूबर को 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। दिग्गज उद्योगपति के निधन से काफी लोग दुखी हैं। हालांकि निवेशकों ने टाटा ग्रुप के शेयरों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। ये टाटा ग्रुप के भविष्य और रतन टाटा के सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति ग्रुप की प्रतिबद्धता में उनके भरोसे को दिखाता है। आपको बता दें कि रतन टाटा ने करीब 2 दशकों से अधिक समय तक टाटा ग्रुप की अगुवाई की है। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर में बदलने का श्रेय दिया जाता है। और अब बात बॉलीवुड की। और रतन टाटा के निधन पर बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों ने अपनी श्रद्धांजलि दी है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, अनुष्का शर्मा समेत कई फिल्मी हस्तियों ने रतन टाटा को अग्रणी बताया है। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने एक भावुक पोस्ट एक्स पर लिखा, उन्होंने विदाई दी। और सलमान खान ने भी अपने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि श्री रतन टाटा के निधन से बहुत दुखी हूं। अनुष्का शर्मा ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि श्री रतन टाटा के दुखद समाचार से बहुत दुखी हूं। उन्होंने अपने हर काम में माध्यम से ईमानदारी, शालीनता और गरिमा के मूल्यों को बनाए रखा और वास्तव में भारत के एक आइकन और रत्न थे। और अब बात खेल जगत की। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की है। 3 मैचों की टी20 सीरीज पर भी भारत ने अपना कब्जा जमा लिया। पहले टी20 के बाद भारत ने बांग्लादेश को लगातार दूसरे टी20 मुकाबले में हराया। भारत को बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच और खेलना है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा टी20 मुकाबला 12 अक्टूबर को खेला जाएगा। ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। भारत इस मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर क्लीन स्वीप करना चाहेगा। बांग्लादेश इससे पहले टेस्ट सीरीज में भी क्लीन स्वीप हुआ था। अगर भारत तीसरे टी20 में हार भी जाता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुके हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के YouTube चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।